आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि समय को बर्बाद मत करो, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ पे 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम हमारा टाइम काफ़ी बर्बाद करते रहते हैं दिन भर का, और हमें पता ही लगता नहीं है कि कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है, कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपको कुछ टूल्स देता हूँ कि वो टूल्स यदि आप वापरते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली आपका टाइम बच जाएगा। तो मैं आपको 4C कंसेप्ट एक दे रहा हूँ। 4C कंसेप्ट, 4C का कंसेप्ट है। नंबर एक, आप कैप्चर टूल वापरना चालू करो। कैप्चर टूल मतलब क्या है? कैप्चर टूल मतलब जो भी थॉट अपने दिमाग में आ रहा है उसको कैप्चर करना, उसको पकड़ना और कहीं तो भी रख देना। अब कैप्चर टूल ये आपकी डायरी हो सकती है, छोटी खिसे में रखने वाली कैप्चर टूल, आपका मोबाइल हो सकता है जिसमें नोटपैड रहती है, या आपके पास में कागज है रखा हुआ, या आपके पास में और कैलेंडर है उसमें डाल सकते हैं। मतलब कुछ भी, जैसा आपके पास में जो भी कुछ है जहां आपके विचार आप पकड़ सकते हैं और रख सकते हैं, कैप्चर टूल। अब ये कैप्चर टूल क्या है कि ये एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। जो भी अपने दिमाग में आ रहा है उसको पकड़ो और उसमें लिखो। समझो मुझे आ रहा है कि नहीं, मुझे है ना संजय मेरा दोस्त है उसको कॉल करने का है, विचार आ गया, पकड़ो डाल दो कैप्चर टूल में, पकड़ो पहले और लिख दो कि संजय को कॉल करने का है। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे विचार आते रहते हैं जिसके ऊपर हमको एक्शन करनी है। विचार आते हैं, हम उसको कुछ नहीं करते, बाद में वो विचार भूल जाते हैं। बहुत सारे काम के विचार आते हैं, वो काम करना है मगर हम उसको पकड़ते नहीं हैं, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। तो ऐसे सभी विचारों को पकड़ने का है और वो कैप्चर टूल में डालने का है। वो हरदम कैप्चर टूल आपके पास में हैंडी होना चाहिए, फटाक से हाथ में आना चाहिए। और सबसे अच्छा कैप्चर टूल हो सकता है आपका मोबाइल, आपकी डायरी भी हो सकती है कैप्चर टूल, ठीक है। तो ये हो गया कैप्चर टूल। इसमें एक्शनेबल थॉट्स जो है, मतलब जो थॉट्स के ऊपर मुझे एक्शन लेने की, वो डालने का। मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, समझो ऐसा विचार आ गया, तो सच्ची उसके ऊपर एक्शन लेना है मुझे कि सिर्फ विचार है। तो मुझे लगा नहीं नहीं माउंट एवरेस्ट में तो कुछ करना नहीं, ऐसे विचार आ गया माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, तो ठीक है उसको छोड़ दो, फिर उसको लिखने का नहीं। मगर सच्ची ऐसा विचार आ गया और सच्ची ऐसा लगता है कि नहीं माउंट एवरेस्ट मेरे को क्लाइम करने का है और वो तो अपनी ज़िंदगी में करना ही है, कोई भी हालत में एक दिन तो करूंगा ही मैं, फटाक से कैप्चर टूल निकालो, लिखो उसमें कि माउंट एवरेस्ट अपने को जाने का है, उसका प्लान बनाओ। लिख दिया कैप्चर टूल में किसको फ़ोन करना है, विचार आते रहते हैं, कोई प्लान बनाने का है, किसको संदेशा देने का है, जो भी काम है आपके, कोई दवाई लाने की है, सब्जी लाने की, मार्केट से कुछ खरीदने का है, सब कैप्चर टूल में अपने को डालना है। कैप्चर टूल एकदम हैंडी होना चाहिए और जिस समय आपको विचार आता है उस समय सब कुछ रोक देना है, कैप्चर टूल निकालना है, उसमें लिखना है। मतलब आप समझो ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते करते आपको विचार आ गया, अरे वो तो काम रह गया, वो तो लिखा ही नहीं, अब कार बाजू खड़ी करो, पकड़ो कैप्चर टूल में, डायरी में लिखो, मोबाइल में लिखो। खाना खाते खाते विचार आ गया, चलो लिखो। जहाँ भी आप जो भी अवस्था में होंगे वो अवस्था में आपको विचार आ गया और उसके ऊपर आपको एक्शन करना है तो कैप्चर टूल में पकड़ने का है, रखने का है। ये हो गया एक। दूसरा है कैलेंडर, दूसरा सी जो है कैलेंडर है। वो कैलेंडर अपने मोबाइल का वापरो, गूगल का कैलेंडर रहता है, मोबाइल में कैलेंडर अलग अलग प्रकार के आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कैप्चर टूल में आपने पकड़ के रखे हैं एक्शंस, वो रात को सोने के पहले कैलेंडर में डालो कि वो एक्शन आप कब करने वाले, कौन से तारीख को करने वाले, कौन से दिन को करने वाले, कितने बजे करने वाले, किसके साथ में करने वाले, और उसको तैयारी लगती होंगी और कुछ तो वो भी तैयारी डालो कि ये तैयारी मुझे करनी पड़ेगी। तो कैप्चर टूल रात को सोने के समय पूरा खाली होना चाहिए और वो पूरा का पूरा कैप्चर टूल का आना चाहिए अपने कैलेंडर में। कैप्चर टूल आप रात को खाली करेंगे, रात को कोई विचार आ गए होंगे बाद में, वो सुबह फिर काम करने चालू करने के पहले फिर खाली करेंगे और कैलेंडर में डालेंगे। कैलेंडर जो है आपका वो मोबाइल का कैलेंडर वापरेंगे, रात को सोने के पहले एक बार देख लेंगे कैलेंडर में कोई बचा तो नहीं काम करना बाकी, सुबह उठने के बाद में फिर कैलेंडर देख लेंगे कि आज मुझे कौन सा काम करने का है। कैलेंडर ऐसा वापरो कि जहां आपको रिंग आएगी, जो महत्व के काम है वो महत्व के काम अलार्म क्लॉक में डाल दो, घंटी बजेगी जोर से मोबाइल के अलार्म में डाल देंगे तो वहाँ लेबल आता है, लेबल लेबल में डालोगे फलाने आदमी को कांटेक्ट करना है, लेबल डालो उसमें ताकि आपको वो ख्याल में आएगा। तीसरा जो है वो है सीज करना। सीज क्या क्या करना, मतलब बंद करना। तो फालतू की बातें जो है, फालतू के काम, वो सब सीज करना पड़ेगा। जो काम आपको रेवेन्यू देते नहीं है, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़,
सब बंद करने का है, और उसमें वेस्ट ऑफ टाइम जो है वो कौन सी है? टीवी के ऊपर बैठना घंटा घंटा, दो दो तीन तीन घंटे, व्हाट्सएप देखते जाना, सब ग्रुप्स में जाना, सब ग्रुप में क्या क्या चल रहा है देखते जाना, उसको जवाब देना, फेसबुक पे जाना, आज किसका बर्थडे है, किसकी मैरिज एनिवर्सरी, उसको जवाब दो, ये देखो वो देखो, सब सोशल साइट्स को विजिट करना, रेडियो पे जाना, टीवी पे जाना, सब मतलब दो तीन चार घंटे लोग उसमें बिताते हैं, रात को भी जल्दी नींद भी आती नहीं है, वो सब सीज करना पड़ता है, सब बंद करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और वो राष्ट्रीय कार्यक्रम वो है कि टिंगल करना, लोगों मतलब कैसा सर, गॉसिपिंग करना हम बोलते हैं उसको, मतलब दो तीन लोग बैठे तो चौथे के बारे में बातें करना, उससे क्या होने वाला है, तो तीन लोग बैठे तो चौथे के बारे में कुछ ना कुछ बातें करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसको नीचा बताने वाली बात करेंगे, और अपना टाइम पास करेंगे। तो ये सीज पहला है, कैप्चर टूल नंबर दो है, कैलेंडर नंबर तीन है सीज। नंबर चार है कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्सेंट्रेट करना मतलब फोकस करना, जो काम आपने हाथ में लिया हुआ है अभी उसके ऊपर 100% फोकस करो, इधर उधर अपना दिमाग मत डालो। मल्टीटास्किंग एक ही टाइम पे नहीं करने का है, मल्टीटास्किंग तभी होता है जब वो ऑटोमेटिक काम है, समझो आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें अपने को वैसे ही चलना है, जगह पे चल रहे हैं, अभी वहां मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वहां आप किसी को फोन लगा सकते हैं, मगर जो काम कर रहे हैं जहां अपने को दिमाग डालने का है तो वो मल्टीटास्किंग वहां करने का नहीं है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करने का है। आप पूरा फोकस वो काम में करेंगे, फुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होंगी, काम बहुत फास्ट होगा। सो कैलेंडर के काम जो भी आपने लिखे हुए वो समय पे करना, उसके ऊपर पूरा फोकस करो और कॉन्सेंट्रेट करना सीखो। कॉन्सेंट्रेट करना और कॉन्सेंट्रेशन सवेरे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो सुबह एकदम हार्ड काम जो है ना वो सवेरे सवेरे जल्दी लेना है। हम बोलते हैं कि आपको 10 काम करना है तो 10 काम प्रायोरिटाइज करो, सबसे हार्ड काम कौन सा है और महत्व का काम कौन सा है, नंबर एक। नंबर दो का हार्ड काम, महत्व का काम नंबर दो, तो आप फटाफट सुबह एक तो उत्साह रहता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, सवेरे फटाफट हार्ड काम महत्व के काम जो है वो फटाफट खत्म करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिन भर मजा भी आ जाएंगे। तो हमने देखा कैप्चर टूल, नंबर दो कैलेंडर, नंबर तीन सीज करना गॉसिपिंग या फेसबुक व्हाट्सएप, और नंबर चार कॉन्सेंट्रेट करने का है। ये आप चार करते तो डेफिनेटली आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप एक प्रोडक्टिव इंसान बनेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी वो लोगों को शेयर करो जो आपके दोस्त होंगे और जो बहुत ज़्यादा टाइम गंवाते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपने देश का नुकसान करते हैं, सबको ये वीडियो शेयर करो ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगी। हमारा ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी अपॉइंटमेंट लेना या चैटिंग करना ये संभव है। थैंक यू वेरी मच।